चमारों से नफरत करने वाले राम भद्राचार्य की पूरी जन्म कुंडली। राम भद्राचार्य के किस चेले ने किया शिष्य से गलत काम। कब राम भद्राचार्य के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। राम भद्राचार्य यूं तो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग में चमारों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए बहुत नफरत भरी है। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। आज हम आपको इस कथित जगतगुरु राम भद्राचार्य की पूरी जन्म कुंडली बताने वाले हैं। कब किसके बारे में इन्होंने अनाप शनाप बोला, कब इनके खिलाफ थाने में दर्ज हुई शिकायत, इनके किस उत्तराधिकारी पर लगा शिष्य के साथ गलत काम करने का आरोप। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम भद्राचार्य आखिर हैं कौन। राम भद्राचार्य का असली नाम गिरधर है और वह यूपी के जौनपुर में पैदा हुए थे। 1950 में जन्मे राम भद्राचार्य का जन्म सरयू पारिण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो खुद को श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि चौबे, पाठक, त्रिगुणायन और दीक्षित ब्राह्मण नीच होते हैं। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारिणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते, उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायन, दीक्षित और पाठक। जब राम भद्राचार्य यानी गिरधर 2 साल के थे, तब उन्हें ट्रेकोमा हो गया और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। फिलहाल राम भद्राचार्य दृष्टिबाधित हैं, यानी वो देख नहीं सकते। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम भद्राचार्य के ही शिष्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर जब विवाद बढ़ा था तो राम भद्राचार्य ने उनका बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की कोशिशों में जुटे हैं। राम भद्राचार्य के ही एक शिष्य पर तो बेहद गंभीर आरोप लग चुके हैं। राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास पर मिर्जापुर में एक शिष्य के साथ गलत काम करने के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे कैसे लोग राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। मीडिया वाले राम भद्राचार्य को 22 भाषाओं का जानकार और अब तक 80 ग्रंथों की रचना करने वाला बताते हैं, लेकिन आज तक राम भद्राचार्य को हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा में कथा सुनाते हुए नहीं देखा गया। ऐसे में इन सभी दावों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। राम भद्राचार्य बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में गवाही भी दे चुके हैं। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राम भद्राचार्य से राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे थे, तो उन्होंने अथर्व वेद का हवाला दिया था। यूं तो संतों का काम समाज को सही रास्ता दिखाना होता है, लेकिन राम भद्राचार्य अक्सर समाज में नफरत फैलाने वाली बातें करते रहते हैं। वो कथा के दौरान प्रवचन कम और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को ज्यादा कोसते हैं। यदि यही रहा ओबीसी एससी एसटी, तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे नेता लोग, और उसको कोई बचा नहीं सकेगा। तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कथित संत राम भद्राचार्य सवर्णों को मिलने वाले सुदामा कोटा यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कुछ नहीं बोलते, जबकि उनकी जाति के लोग सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस का फायदा ले रहे हैं। राम भद्राचार्य ब्राह्मणों को मिलने वाले जन्मजात आरक्षण के बारे में भी एक शब्द नहीं बोलते। वो ये नहीं कहते कि सदियों से ब्राह्मणों ने मंदिरों का पुजारी बनने, दक्षिणा लेने और धर्म कर्म के नाम पर अपना धंधा चलाने का जन्मजात आरक्षण पाया है वो खराब है। उल्टे वो अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करते हैं। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, छिपा ले रहा हूँ, मैं पहले ब्राह्मण हूँ, जाओ जो कुछ करना कर लेना। मैं पहले ब्राह्मण हूँ, फिर साधु हूँ, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूँ, फिर एक संप्रदाय का सर्वमान्य आचार्य जगतगुरु रामानंद आचार्य हूँ। चलो, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बल्कि स्कूल और कॉलेज की है। हमें उनकी बात माननी चाहिए और ऐसे लोगों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांशीराम साहब बहुजन समाज के महानायक हैं, लेकिन एक वायरल वीडियो में यही संत राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो।
इस बयान के बाद राम भद्राचार्य पर केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि राम भद्राचार्य को बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण हासिल है। अब सोचिए इस आदमी के दिमाग में एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी गंदगी भरी होगी। वंचित वर्गों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है, सदियों तक उनका शोषण हुआ है। भारत में आजादी के बाद इन वर्गों को मरहम के तौर पर आरक्षण जैसी जरूरी सुविधा दी गई और इससे देश को बेहतर बनाने में बहुत मदद हुई, लेकिन राष्ट्र निर्माण की ऐसी जरूरी व्यवस्था के खिलाफ ही राम भद्राचार्य जैसे लोग बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण पर ऐसे घटिया विचारों को देशद्रोही की श्रेणी में डालना चाहिए और राम भद्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो इन वायरल वीडियो की जांच करे और राम भद्राचार्य के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार करे, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ संतों के नाम पर कलंक हैं, बल्कि वो समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष भी फैला रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।